अभी सबसे पहले काम कर लेंगे, जो बाजू का अमरूद का पेड़ है ना, वहाँ पर बहुत ज्यादा अमरूद है, तो उसको भी सब कुछ तोड़ लेते हैं। सारे पक गए ना, पूरे अमरूद भर गए इस पेड़ पे, मतलब बहुत जगह पे अमरूद दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर। तो गाइस ये व्हाइट वाले जो बोरा दिख रहा है ना, इसके अंदर पूरा अमरूद भर के देखिए कितना बड़ा बोरा है। सो हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज अपन है अपने गांव के घर में, एंड यहाँ पर ना काफी सारे पेड़ पौधे हैं। एंड आज तक अपने ब्लॉग में कभी आपको बताया नहीं कि मेरा मतलब गांव में हमारा घर है, और दिखाया भी नहीं कभी। एंड आज पूरा आपको यहाँ का टूर दिखाऊंगा, कौन से पेड़ पौधे आपको दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा इस ब्लॉग में, तो बने रहे इस ब्लॉग में। सबसे पहले आपको दिखाने वाले ये क्या बोलते हैं अमरूद का पेड़, देखिए इसमें इतने सारे पक गए ना, पूरे अमरूद भर गए इस पेड़ पे, मतलब बहुत जगह पे अमरूद दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर, पूरे अमरूद अमरूद ही भर गया यार, पर पूरे मजा आ जाएगा, अभी सब तोड़ के लेके जाएंगे। एंड यहाँ पर ये आम का पेड़ है, इधर भी एक आम का पेड़ है, आंवले का भी पेड़ है, यहाँ पर भी आम का पेड़ है, ऐसे नहीं खाते पेड़ के ऊपर से। एंड ये यहाँ पर पूरा खेत है, जो धान वान कट के हो गया यहाँ का। एंड ये देखिए इधर भी एक जाम का पेड़ है, उधर भी है, मतलब सब जगह मैंने आम का, जाम का, और यहाँ पर एक नारियल का भी पेड़ है। तो आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं तो गाइस हमारे घर के साइड में आ चुका हूँ, पहले मैं उधर था एंड अभी इस वाले जगह पे आ चुका हूँ। एंड इस वाले जगह पे काफी सारे बड़े बड़े पेड़ है, जैसे आप देखिए यहाँ पर ये केले के पेड़ है, एंड यहाँ पर संतरा वंतरा के पेड़ है, यहाँ पर एक नारियल का पेड़ है, यहाँ पर अपना आम का पेड़ है। एंड ये देख पा रहे उधर काफी सारे फ्लावर है, मतलब फूल के पौधे भर के वहाँ पर। एंड ये देखिए यहाँ पर भी अमरूद का पेड़ है, चीकू का पेड़, नींबू का पेड़, यानी गाइस पेड़ ही पेड़, जो भी आपको पेड़ चाहिए यहाँ पर मिल जाएगा, सब पेड़ लगा दिए मेरे पापा यहाँ पर। पापा को ना बहुत ज़्यादा नहीं क्या पेड़ लगाने का शौक है, पेड़ पौधे लगाने का, इसलिए पूरा हमारे यहाँ पर ना लगा दिए। एक जस्ट पर फार्म हाउस भी बोल सकते हैं। हमारे घर में कौन सा तभी कालू डॉग आया है, का है ए कालू, किसका डॉगी है कालू भाई, तू कहाँ से आ गया, रखवाली कर रहा क्या हमारे घर का, पता नहीं किसका डॉग ये, पर इधर आ गया, रखवाली कर रहा है, सर अच्छी बात है, ऐसे रखवाली करते रहे हमारे घर का। अभी सबसे पहले काम कर लेंगे, जो बाजू का अमरूद का पेड़ है ना, वहाँ पर बहुत ज्यादा अमरूद है, तो उसको भी सब कुछ तोड़ लेते हैं। मम्मी वगैरह तोड़ रही है, अभी मुझे बुलाई तो सबने वहाँ इस पेड़ के सब तोड़ लेते हैं। चलो फटाफट से, ये पेड़ तो पूरा झुकी गया अमरूद के बाहर से, देखिए देखिए यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी, एंड नीचे भी काफी सारे गिर के, वो देखिए हो रहा है, नीचे गिर के, इधर भी, उस साइड में भी गिर के, एंड पेड़ के ऊपर तो काफी सारे हुए। ये देखो पूरा पक चुका है, ये देखो मिट्टू ने खा लिया इसको, पूरा मिट्टू ने एक साइड से खा लिया और एक साइड को अच्छा रखा है। तो गाइस मैंने एक अमरूद तोड़ा है, ज़्यादा पका भी नहीं है और ज़्यादा नहीं है, कच्चा भी नहीं है, मीडियम है। एंड इस टाइप के अमरूद का खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है, और ये काफ़ी मीठा है, और इसलिए बहुत सही लगा यार। एंड ये देखिए यहाँ पर संतरा का पेड़ है, इतना बड़ा सा, और यहाँ पर काफ़ी सारे संतरे भी हुए, पूरा ये जो डाली है ना पूरा झुक गया नीचे की तरफ, मतलब नीचे देखिए कितना बड़ा सा एक संतरा हुआ जो पक गया है पूरा। तो गाइस इस एक अमरूद के पेड़ से हम तोड़े टोटल तीन बैग देख पा रहे हैं, ये एक बैग है, मतलब ये दो बैग है एंड एक बैग, ये बैग सबसे बड़ा साइज आप देख पा रहे हैं, ये देखिए पूरा भर गया ऊपर से नीचे। एंड ये भी छोटे नहीं, ये भी बड़े हैं। एंड आपको एक चीज दिखाना भूल गया था, यहाँ पर ना काफी सारे फ्लावर के पेड़ है, फिलहाल तो अभी वो पेड़ ना पूरे सूख सूख से गए हैं, लेकिन जब बरसात का सीजन रहता ना तब बड़ा एकदम हरियाली रहता है यहाँ पर। एंड ये देख पा रहे दो एक पेड़ यहाँ पर दिख रहे हैं, ये देखिए आते वक्त हमारे साथ थोड़ा परेशानी हो गया था, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर दरवाजा लग के ना यहाँ पर लॉक लग के, हम अलाना भूल गए थे लॉक की चाबी, उसमें हम वहाँ से घूम के अंदर आए। फिलहाल दूसरे वाले पेड़ में आए, इस पेड़ में भी बहुत सारे जाम हुए, देखिए वहाँ पर, यहाँ पर तोड़ के खा भी रही है, देखो पूरा तोड़ लेंगे इस पेड़ के भी। फिलहाल मैं अभी ऊपर चढ़ रहा हूँ, क्योंकि ऊपर के साइड में भी ना काफी सारे अमरूद के पेड़ के डाल आ गए, वहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े अमरूद है, उनको भी चढ़ना पड़ेगा ना, उसके फटाफट से ऊपर चढ़ जाता हूँ, ऊपर चढ़ गया। एंड देखिए इस वाले डाल की बात कर रहा था, एंड इस वाले डाल की ये है कुछ पके पके, देखिए गाइस ऊपर के साइड से भी सब तोड़ के हो गया है। एंड फिलहाल अभी नीचे चलता हूँ मैं, तो ये देखो नीचे उधर तक मेरे को एक बेल का पेड़ दिखा, एंड यहाँ पर पूरे बेल भर के हैं। तो गाइस मैं ऊपर से नीचे उतर गया हूँ, एंड ऑलमोस्ट सभी जितने भी फल थे ना, मतलब यानी जितने भी अमरूद थे सब तोड़ के हो गया है, एंड थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे। एंड ये जो आप आगे एक अमरूद का पेड़ देख रहे हैं ना, ये काफी पुराना अमरूद का पेड़ है, मेरे दादाजी ने ये वाला पेड़ लगाया था बहुत ही सालों पहले, बहुत सालों पहले लगाया था इसको। एंड देखिए नीचे कैसा हो चुका है, ये देखिए पूरा मतलब अलग सा ही दिख रहा है, दिखने में लग रहा है कि काफी पुराना सा है,
एंड इसमें अभी भी अमृत होते, बहुत सारे अमृत होते ऊपर, बहुत सारे हुए भी है अभी दिखने अच्छे से, पर ऊपर चढ़ के ना आप देख सकते हो ऊपर से। ये केले के पेड़ के पास आया था, यहाँ पर बहुत सारे कच्चे केले हुए, इसको फटाफट से तोड़ता हूँ मैं अभी। देखिए पूरे केले तोड़ के हो गया है, एंड केले तोड़ तक मैं टी शर्ट खोल दिया था, क्योंकि ना केले के पेड़ में जो रस निकलता है ना वो टी शर्ट है पैंट पर लग गया था ना, तो लाल लाल दाग हो जाता है, उसे टी शर्ट खोल लिया था। एंड अभी हाथ धो के आता हूँ, क्योंकि हाथ में ना थोड़ा थोड़ा सूख सूख सा गया है वो रस, इसको धो के लाता हूँ, नहीं तो टी शर्ट पर हाथ वाथ लगा ना गलती से भी, अभी तो लगा था उससे कुछ नहीं होगा, पर जब इसका रस गीला गीला रहता है ना तब लगा तो पूरा गंदा हो जाता है, तो सबसे पहले मैं हाथ धो के आता हूँ। तो गाइस ये व्हाइट वाले जो बोरा दिख रहा है ना, इसके अंदर पूरा अमरूद भर के, देखिए कितना बड़ा बोरा है, एंड ये इसके अंदर केले है, एंड गाड़ी के डिक्की के अंदर भी दोनों क्या छोटे से बैग है, उसके अंदर भी काफ़ी सारा सामान डाल के आपको मैंने घर जाने का आप दिखाऊंगा कि कौन से चीज़ें हम यहाँ से तोड़े। वैसे फिलहाल घर पे आ चुका हूँ, एंड देखिए सब बोरा भर के अमरूद है इसके अंदर, देखिए इतना बड़ा बोरा भर के, एंड वहाँ पर भी आपको देखो क्या क्या है। ये देखिए इसके अंदर ना, ये इसको कुछ तो बोलते हैं, ये तुरी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ पर क्या बोलते बताने यार, यहाँ पर फ्लावर और कुछ और अमरूद है, एंड इसके अंदर पूरे केले है, इतने सारे चीजें हम गाँव से लाए। अभी फिलहाल ना थोड़ा हाथ पैर का धो लेता हूँ पूरा, मतलब वहाँ पेड़ पौधे में जाकर फिर मिट्टी लग चुका था, हाथ पैर धो लेता हूँ फिर आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। गाइस फिलहाल हाथ पैर धोके हो गया, मैंने अभी देखिए ये जाम तोड़ के रखा ना उसको कट किया, अब इसको खाएंगे बढ़िया से यार, मजा आ गया। तो गाइस अभी फिलहाल शाम हो गया और हम खा रहे हैं पाव भाजी। सो नाइट गाइस, मेरा खाना पीना हो चुका था एंड अभी काफी रात हो चुकी है, तो करेंगे इस वीडियो को एंड, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा ज्यादा शेयर करो। सो आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय। I won't look back ever again.